एग्जाम हाल से पहले आपको शायद सब कुछ याद रहता है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आप बैठते हैं, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चन के आंसर को भूलने लग जाते हैं, या फिर आपके जो आंसर याद रहता है उसके बस कुछ ही लाइनें आपको याद रहती हैं, तब आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, इसको मैंने पूरा याद किया था और एग्जाम से पहले मुझे यह बिल्कुल ही याद था, आखिर मुझे हो क्या गया है, दिमाग पर वो क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने आप को तैयार किया जाता है, जिसके बाद आप जो भी याद करोगे वो पूरा का पूरा 100% आपको याद हो जाएगा, और खासकर जो आप याद करोगे वो एग्जाम में आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्मार्ट टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, उसको अपनाने की जरूरत है। स्ट्रेस आउट करना, एग्जाम से पहले तनाव में रहने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला, बल्कि आपको उसका नुकसान जरूर हो सकता है एग्जाम हॉल में। एक पेपर लेकर तैयारी करें, एग्जाम से एक दिन पहले आप एक पेपर में उस क्वेश्चन के आंसर को लिख लें जो आपको आता हो। मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़े ना, बल्कि पढ़े, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को एक पेपर में लिख लें जो आपको अच्छे तरीके से याद हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस आंसर पर बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। मतलब आपका वो क्वेश्चन आंसर जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तब आप उसे अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ मैंने इसे एक अलग पेपर में लिखा था, ये तो मुझे अच्छे तरीके से याद था, तो आप उसको अच्छे तरीके से एग्जाम में कर पाओगे। ये ट्रिक आपको एग्जाम में याद रखने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। म्यूजिक सुने एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब एग्जाम होने वाला हो और आप तुरंत जाने वाले हो हॉल के अंदर, तो उससे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आप एक म्यूजिक सुन सकते हैं, जो आपको सबसे बढ़िया म्यूजिक पसंद हो उस म्यूजिक को आप सुने, घबराए नहीं, नहीं ना कहें। जब आप एग्जाम में देने जाए तब आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं है, शायद वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर जाएगा और आप घबराने लग जाओगे, और जो आपको याद है ना वो भी आप भूल जाओगे। मुझे उस कॉन्सेप्ट का, उस चैप्टर का वो चीज़ याद नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी ना कहें। मतलब उस पर फोकस करें जो आपने याद किया है, ना कि उस पर फोकस करें जो आपको याद करना था। तो जो याद करना था वो बीत चुका है, और जो आपको याद करना है, मतलब जो आपको याद है उस पर फोकस करें, इससे आपका एग्जाम और भी अच्छे तरीके से होगा। तो जो हो याद उस पर फोकस करें। एग्जाम से पहले आपने जो पढ़ा है वो याद रहे, इसके लिए आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। मतलब आप एग्जाम हॉल में जैसे बैठते हैं वैसे ही आपको अपने घर में स्टडी करने के दौरान बैठने की ज़रूरत है। मतलब जैसे वहाँ पर शांति रहती है, वैसे आपके घर में भी शांति रहनी चाहिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं। जैसे वहाँ का डेस्क बिल्कुल साफ रहता है, वैसे ही जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए। यह नहीं कि दो बुक्स वहाँ पड़ी हैं। मतलब जहाँ पर आप पढ़ते हैं बिल्कुल वो एग्जाम हॉल के जैसे ही होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को चिंगम चबाते हुए याद करते हैं तो वो आपको याद हो जाएगा, अगर आप उसी फ्लेवर के चिंगम को चबाते हैं। मतलब ये हमारे माइंड का साइंटिफिक रीज़न है कि हम उसी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं जैसा कि हमने पहले किया था। मतलब अगर आप घर में म्यूजिक सुनते हुए किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करते हो तो एग्जाम हॉल में जब तक वो म्यूजिक आपको नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक तरीके से याद नहीं होगा, और जैसे ही आप वो म्यूजिक सुनोगे या अपने अंदर से गुनगुनाओगे तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड उस क्वेश्चन के आंसर को रिवाइंड करेगा उस म्यूजिक के सुनने के बाद। गहरी सांस लें जब आप एग्जाम हॉल में बैठें, मतलब आप एग्जाम हॉल में चले जाएं, तब जहां पर बैठे हैं आप वहां पर बैठकर गहरी सांस लें और सोचें कि चलो ठीक है, ये दिन आ गया। मतलब इस दिन के लिए मैंने एक साल से तैयारी की है, एक साल से मैंने पढ़ाई की है, और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। मैं इसको एग्जाम को इतने अच्छी तरीके से क्वालिफाई करूंगा कि मैं एक उदाहरण बनूंगा। मतलब मैंने इसी के लिए पूरी साल मेहनत की है। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप सोचो कि चल ठीक है, इसकी तो वाट लगानी है आज,
इसका तो पूरा ही करना है जो इसमें लिखा हुआ है। इससे मोटी किताब मैंने पढ़ी है और ये मात्र एक पेज का ही क्वेश्चन है। मतलब आपको ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग ला रही है जिससे आप नेगेटिविटी में न जा पाए। और आपको फिर से गहरी सांस लेते हुए 2 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके बाद गहरी सांस लेकर जुट जाना है लिखने में। मतलब आपको जो नहीं याद है उस पर भी फोकस नहीं करना है और सबसे पहले एग्जाम में वो लिखे हैं जो आपको ये आता है। मतलब ज्यादातर लोग होते हैं जो उनको नहीं आता है वो दूसरे से पूछने लगते हैं, भाई तेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है क्या, ये वाला मुझे बता देना। तो ऐसा ना करें, जो आपको पहले आता है उसको सबसे पहले करें, क्योंकि जब आप उसे कर लेते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है कि जो मुझे आता था मैंने वो कर लिया है। उसके बाद आप चाहे जो भी करें। दोस्तों, मैंने जो आपको बताया है ये बेस्ट टिप्स हैं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को ना भूलने के लिए। लेकिन आपको एक बात का और भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर जब स्टूडेंट होते हैं उनसे आप बातें करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं, यार तेरे को ये वाला याद है, अच्छा तू सुना ना पहले, तो ये वाला याद है तेरे को। तो उन लोगों के पास ना बैठें, क्योंकि अगर उन लोगों के पास आप बैठते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं याद है। और जैसे आपको पता चलेगा तो आप याद करने में जुट जाओगे और पूरा फोकस आपका उस क्वेश्चन पर हो जाएगा, जबकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए ही ना और जो आपने याद किया है वो आप भूलने लग जाओगे, क्योंकि आपका माइंड का पूरा अटेंशन उस क्वेश्चन पर लग जाएगा जिसको आप याद करना चाहते हो। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपका माइंड बिल्कुल ही ज़्यादा तरीके से कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को न याद करें जो तुरंत याद करने की ज़रूरत हो, बल्कि जो आपने याद किया है उस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वही क्वेश्चन आएगा और मैं उसी को अच्छे तरीके से करके आऊँगा और मेरे एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स आएंगे।